पर में आज गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव भवन में झंडा फहराने के बाद कहा कि यह एक पूरा त्योहार है, हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया गया है। साथ ही साथ पूरे देश ने किस तरीके से गणतंत्र दिवस मनाया, इसको लेकर भी उन्होंने देशवासियों को बधाई दी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आज रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया। फिर उन्होंने परेड की सलामी ली। छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री बघेल परेड की सलामी लेते हुए नजर आए। सीएम भूपेश बघेल नेहरू टोपी पहनकर एक अलग अंदाज में दिखाई दिए। अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने छत्तीसगढ़ी में की। मुख्यमंत्री ने कहा, देश की आजादी में छत्तीसगढ़ के वीरों का भी अतुलनीय योगदान रहा है। उन्होंने यहां के वीरों को याद किया। छत्तीसगढ़ में एक नए युग की शुरुआत हुई है। गर्भो नया छत्तीसगढ़ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। संबोधन के दौरान उन्होंने किसानों की सिंचाई की बकाया राशि 270 करोड़ माफ करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्नदाताओं को उनका हक मिलना चाहिए। उन्होंने रावी फसलों के लिए बंद पड़ी सिंचाई सेवाओं को फिर से शुरू कराने का निर्णय लिया है। वनांचल में रहने वाले आदिवासियों के लिए सौगात देते हुए मुख्यमंत्री ने तेंदुपत्ता को 2500 रुपए मानक प्रति बोरा से बढ़ाकर 4000 रुपए मानक प्रति बोरा करने का निर्णय लिया है। जहाँ किसी इंसानों को किसानों के समर्थन मूल्य दिया है, नहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों के अल्पकालीन ऋण माफ किए हैं। जिन्हें पत्ता 2500 बढ़ाकर 4000 दिया गया है। टाटा की ली गई जमीन को 1700 किसानों के 4200 एकड़ जमीन बढ़ने का फैसला लिया है। शहरों में छोटे भूखंड पर रजिस्ट्री रुकी हुई उसे भी हमने बात की। अनेक आम जनता से जुड़े हुए जो निर्णय हैं लगातार हम लोग लेते जा रहे हैं और जो अपेक्षाएं आम जनता से थी जो हम पूरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने शराबबंदी के बारे में बोलते हुए कहा कि इसके लिए एक समिति बनाई गई थी, इसके अनुशंसा का अध्ययन किया गया। इसके अनुशंसा रद्द करने के साथ दो नई समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां इस बात का भी अध्ययन करेंगी जिन राज्यों में शराबबंदी की गई वहां विफल कैसे हुई। इन बातों का अध्ययन करने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। शराब एक सामाजिक बुराई है, इसे लेकर प्रदेश में व्यापक जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती तभी है जब उनके चारों स्तंभ मजबूत हों। पिछली सरकार में राज्य में कहीं न कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी छिन रही थी। इसके लिए इस सरकार ने पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने पर काम शुरू कर दिया। राजधानी में पूरी रात बारिश होती रही। सुबह तक परेड ग्राउंड गीला हो गया था। हल्की बूंदाबांदी के बीच ध्वजारोहण शुरू हुआ। बारिश के चलते ग्राउंड में कुर्सियां भी खाली रहीं। गणतंत्र दिवस के मुख्य कार्यक्रम में काफी कम मात्रा में दर्शक पहुंचे। बारिश के चलते सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।